हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ CPR ड्राइंग के बारे में। यह जो ड्राइंग है, एक हमारे फ्रेंड है, हमारे चैनल का सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, जो भेजे हैं देखने के लिए। इस ड्राइंग का ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन कैसे देखेंगे, इसमें किस तरह से यह डायमेंशन जो दिया गया है, इसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ये जो है CPR का ड्राइंग है। हम लोग जो प्लांट का ड्राइंग देखते हैं, उसमें नॉर्थिंग ईस्टिंग थोड़ा अलग ही रहता है और इसमें थोड़ा सा अलग दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ईस्टिंग लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पर नाम लिखा गया है C107, उसके बाद -276, ऐसे करके यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ नीचे वाले में देख सकते हैं नॉर्थिंग में लिखा गया है 9500BD+312, और एलिवेशन लिखा गया है PT07-1304, इस तरीका से लिखा गया है इसमें। यहाँ भी देखिए इस तरीका से यहाँ पर लिखा गया है। और एक ड्राइंग दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एक और ड्राइंग है, यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम ऐसा ही लिखा गया है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसका जो नॉर्थ डायरेक्शन है इस तरफ है, तो इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो फ्रेंड, इसका हम डायरेक्शन कैसे देखेंगे, यहाँ पर जो किस तरीका से रोलिंग दिया गया है, इसका पहले हम डायरेक्शन देखते हैं, उसके बाद हम इसका नॉर्थिंग ईस्टिंग एलिवेशन देखेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि देखना है कि सबसे पहला डायरेक्शन इसमें कौन सा दे रहा है। तो हम इस लाइन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो है अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा उल्टा पड़ेगा। अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो हमारा डायरेक्शन देखना आसान रहेगा। तो इस लाइन को यहाँ पर तीनों पॉइंट को ला करके यहाँ पर मिलाया गया है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसी लाइन का पहला डायरेक्शन दे रहा है कि नॉर्थ से वेस्ट में रोलिंग करना है, क्योंकि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ, और इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट। ये लाइन दे रहा है, इसी लाइन को यहाँ पर डायरेक्शन दे रहा है कि नॉर्थ से वेस्ट में रोलिंग, और इसी लाइन को यहाँ से अप कर देना है 359 mm। और उसके बाद इस लाइन को एल्बो लगा करके, जितना डिग्री के यहाँ पर एल्बो रहेगा, जैसे 30 डिग्री दिया गया है, तो 30 डिग्री का एल्बो लगा करके इसको लाइन को नीचे डाउन में लाना है। तो इस तरीके से आपको इसका डायरेक्शन देखना है और बताना है इंटरव्यू वगैरह में। और दूसरा वाला लाइन का डायरेक्शन किस तरीका से देख रहा है वो भी देख लेते हैं। तो इसका डायरेक्शन हम इस तरफ से नीचे से भी देखेंगे तो बिल्कुल आसान रहेगा। यहाँ से अगर हम इस लाइन को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से लाइन अप जा रहा है, अप जा करके यहाँ से डायरेक्शन दे रहा है कि नॉर्थ से वेस्ट में रोलिंग देना है, हॉरिजॉन्टल रोलिंग, और एक और वर्टिकल रोलिंग दिया गया है 47 mm अप करना है। तो यहाँ पर जो एल्बो रहेगा, यहाँ पर देखिए 88.7 डिग्री का एल्बो रहेगा, जिसको डाउन में रखना है। तो इसी तरीका से इसका डायरेक्शन दिया गया है। अब इसका हम देखते हैं कि नॉर्थिंग ईस्टिंग और एलिवेशन कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ईस्टिंग में लिखा गया है C110, और यहाँ पे लिखा गया है ईस्टिंग में C110, और यहाँ पर नॉर्थिंग में लिखा गया है 4060BD। यहाँ पर भी देख सकते हैं नॉर्थिंग में लिखा गया 4060BD, और BD में जो यहाँ पर दिखा रहा है कि +525 mm, और यहाँ पर 4060BD में दिखा रहा है कि +442, और यहाँ पर एलिवेशन का भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ अलग ही लिखा गया है, जैसे PT07 लिखा गया है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए एक अलग डिज़ाइन मैं बना करके दे दिया हूँ, कि ताकि आपको देखने में आसान हो। हम जैसे प्लांट का ड्राइंग देखते हैं तो उसमें सिर्फ नॉर्थिंग ईस्टिंग सिर्फ डायमेंशन लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि जो एरिया है, वहाँ पर जो कॉलम है या फिर जो भी चीज़ है या प्लेट हो, तो उसका हर पार्टीशन का एक नंबर दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इधर वेस्ट कर दिया है, और इधर ईस्ट, और इधर नॉर्थ, और इधर साउथ, जहाँ से ये लाइन का डायमेंशन दिया गया है, जैसे C105, C107, C110, और यहाँ पर देखिए वही नंबर हम लिख दिए, यहाँ पर 4060BD, और यहाँ पर एक नंबर है 1500BD, और यहाँ पर एक नंबर है 9500BD। तो एक तरह से ये एक पार्टीशन का नंबर है कि किस एरिया में आपको इस लाइन को इरेक्शन करना है, उस नंबर को आपको देखना है। ये किस चीज़ का नंबर है ये अब हमको पता नहीं है, ये नंबर द्वारा दिया गया है कि इस नंबर के पास आपका लाइन जो है इतना आगे या फिर इतना पीछे इरेक्शन करना है। जैसे नॉर्मल ड्राइंग में अगर हम लोग देखते हैं, तो उसमें सिर्फ डायरेक्ट डायमेंशन दिया हुआ रहता है कि नॉर्थिंग इतना डायमेंशन, साउथ इतना डायमेंशन, एलिवेशन इतना डायमेंशन, लेकिन इसमें नंबर दिया गया है, डायमेंशन नहीं दिया गया, इसमें नंबर्स दिया गया है। ये नंबर भी आपको देखना है कि किस जगह का वो नंबर दिया गया है, वो आपको एक एरिया का जो है
ड्राइंग लेना होगा कि किस एरिया में क्या नाम दिया गया है, वो एरिया का नाम का आपको चार्ट लेना होगा या फिर ड्राइंग लेना होगा कि कौन से एरिया का क्या नाम है, उसके हिसाब से आपको पता लगेगा कि आपका लाइन जो है किधर जा रहा है। फिर भी मैं एक इस तरीका से डिजाइन मैं बना के दिया हूँ ताकि आपको पता चले कि यह किस एरिया का ड्राइंग है। जैसे ये जो हो गया हम इसको टॉप से देख रहे हैं, और एक डिजाइन में बना दिया हूँ कि यहाँ पर हम इसको साइड से देख रहे हैं, तो साइड वाले में हमको पता चलेगा कि एलिवेशन के बारे में कि कितने एलिवेशन पर हमारा लाइन है। तो यहाँ पर देखिए एलिवेशन का यहाँ पर हमने नाम दे दिया है कि PT06, ये जो लाइन है ये PT06 के एरिया में आ गया, और ये ऊपर वाला जो सेंटर लाइन है PT07। और यहाँ पर कॉलम का जैसा कि हम पार्टीशन का नंबर दे दिए हैं कि किस पार्टीशन तक यहाँ पर क्या क्या नंबर है, यहाँ बीच वाले का 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 9। ये तीनों का नंबर नहीं दिए हैं क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है, जो हमें ज़रूरत है वही नंबर हम दे दिए हैं। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको देखना है ड्राइंग में, जैसे हमारा ये नंबर दे रहा है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा नॉर्थिंग को हम कैसे मिलाएंगे। नॉर्थिंग 9500 BD माइनस 1 मीटर 101 दिया गया है, तो हम इसमें कैसे देखेंगे, 9500 BD माइनस दिया गया था 1 मीटर 101। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन से जैसे कि ये नॉर्थ हो गया, फिर से मैं आपको इसमें दिखा दे रहा हूँ, इधर जो लाइन जा रहा है नॉर्थ में जा रहा है, तो नॉर्थ से माइनस में है इस, इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ से माइनस में, इस तरफ जब लाइन जाएगा तो वो प्लस में होते जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 9500 BD प्लस दिया गया है यहाँ पर, इधर जो लाइन जा रहा है नॉर्थ की तरफ तो ये प्लस हो जा रहा है, इसी नंबर के जो पार्टीशन है उसके आगे लाइन निकल गया तो इसको +312 mm दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया 9500 BD -1101 दिया गया है, तो ये जो हो गया माइनस में दे रहा है, यहाँ पर देखिए माइनस लिखा गया है और यहाँ पे प्लस लिखा गया है। तो अब आते हैं हम इधर, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि ये 9500 BD एक यहाँ पर पार्टीशन दे दिया कि ये नॉर्थ के तरफ जो ये है एक एरिया है जो आपको इस तरीके से देखना है कि वो एरिया कहाँ पर लिखा गया है, 9500 BD किस जगह का नाम है, तो वहाँ से माइनस में दे रहा है कि लाइन जो रहेगा जैसे 1 मीटर 101 mm जो है इससे माइनस में रहेगा, और इसी डायमेंशन से 9500 BD से प्लस में रहेगा 312 mm नॉर्थ में प्लस, देख सकते हैं इसी पार्टीशन से 312 mm प्लस में रहेगा ये लाइन, तो इस तरीका से ये लाइन जो है प्लस में चला गया, और ये जो रोलिंग दे रहा था कि यहाँ से 1425 नॉर्थ और फिर 1425 mm वेस्ट में रोलिंग दे रहा था, यहाँ पर देखिए सेम वैसा ही मैं बनाया, यहाँ से नॉर्थ की तरफ 1425 और वेस्ट में फिर 1425 और उसके बाद 47 mm अप में दिखाया गया है, तो इसका यहाँ पर जा करके नॉर्थिंग जो हो जा रहा है 9500 BD +312 mm, तो ये प्लस में चला गया। तो यहाँ पे देखिए ये 9500 BD से ये प्लस में चला गया और 9500 BD से ये माइनस में है 1 मीटर 101 mm। अब यहाँ पर देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पर ईस्टिंग नॉर्थिंग का डायमेंशन किस तरीके से दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ईस्टिंग का दे रहा है कि C105 +9 mm रहेगा, C105 जो पार्टीशन है जो भी एरिया का नाम है उससे 9 mm प्लस में रहेगा, यहाँ का जो पाइप का जॉइंट आ रहा है फील्ड जॉइंट जो लिखा गया है वो 9 mm प्लस में रहेगा, C105 उसमें +9 mm, और यहाँ पर जब लाइन आ रहा है तो इसका जो देखिए ईस्टिंग दे रहा है कि C107 -276 में रहेगा, तो जब ये माइनस होगा तो क्या होगा कि वेस्ट के तरफ चला जाएगा, ये C107 जो पार्टीशन है उससे वेस्ट के तरफ चला जाएगा, अगर प्लस होगा तो ईस्ट के तरफ ही जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, जो भी जैसे नॉर्थिंग डायमेंशन है तो यहाँ पर माइनस हो रहा है तो ये साउथ के तरफ हो गया और इसमें प्लस हो रहा है तो ये नॉर्थ की तरफ चला गया, इस तरीके से इसमें देखना है। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए C107 जो दिया गया है तो वो यहाँ पर माइनस में दिया गया कि 276 mm माइनस में है, और यहाँ पर दे रहा है कि C105 में 9 mm प्लस में है, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर दिया क्या है कि C105 में 9 mm प्लस, यानी कि ये जो है इस तरफ ईस्ट है तो ईस्ट में प्लस हो गया, 9 mm प्लस ईस्ट में प्लस हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ का जो ईस्टिंग है यहाँ पर दे रहा था कि C107 से माइनस में,
तो ये क्या हो गया कि ये जो पार्टीशन है C107 से ये माइनस में चला गया, यहाँ से इस तरफ वेस्ट की तरफ ये माइनस है, तो ये 276 mm यहाँ पार्टीशन से माइनस में जा रहा है, यानी कि वेस्ट में जा रहा है, तो इतना mm ये माइनस में, तो ये आपका लाइन जो है यहाँ पर ईस्टिंग आ गया। तो इतना दूरी पर लाइन, जब ये यहाँ पर आपको पॉइंट मिल गया कि यहाँ पर लाइन रहेगा, और ये नॉर्थिंग का पॉइंट मिल गया कि यहाँ पर आ रहा है, दोनों आकर के पॉइंट यहाँ पर मिल गया कि लाइन आपका जब यहाँ से उठेगा तो यहाँ पर आएगा। अब दूसरा वाला ड्राइंग किस तरीके से दे रहा है वो भी हम देख लेते हैं। ईस्टिंग को हम देख रहे हैं सबसे पहले, तो C110 में -420 mm रखना है, यानी कि C110 जो पार्टीशन है उससे -420 mm रखना है। तो क्या होगा कि ये जो नंबर का जो पार्टीशन होगा उससे 420 mm पीछे चला जाएगा लाइन। तो उसी तरीका से हम इधर देखते हैं यह डिजाइन में, तो यहाँ पर देखिए ये नंबर दिया गया C110 -420। यहाँ पर देखिए ये ईस्टिंग, यहाँ पर हम डायमेंशन लिखे हैं, ये वाला जो लाइन है ये पार्टीशन से 420 mm वेस्ट की तरफ माइनस में ये लाइन जा रहा है। ये नंबर का जो पार्टीशन है यहाँ से ये लाइन वेस्ट की तरफ 420 mm माइनस में यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे आपका लाइन मिल गया। अब ये लाइन ये देखना है कि यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि नॉर्थिंग डायमेंशन हमारा कहाँ पर दे रहा है, और आगे जाएगा या फिर इधर आएगा। यहाँ पर जो पार्टीशन का नंबर दिया गया है 1500BD, 4060BD, 9500BD, तो अब किस एरिया में आपका ड्राइंग का नॉर्थिंग डायमेंशन दे रहा है वो अब हम देखेंगे। तो हमारा ये डायमेंशन मिल गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नॉर्थिंग में कह रहा है 4060BD में +422 mm रखना है। यहाँ पर दे रहा है कि नॉर्थिंग में जाना है, 4060BD +422 रखना है। यहाँ पर वही नंबर है 4060BD, इसमें आपको प्लस में रखना है 442 mm, 442 mm नॉर्थ में प्लस चला जाएगा, तो ये नॉर्थ में प्लस हो गया। अगर इसी से माइनस में दिया हुआ रहता है तो ये साउथ में आ जाता है, तो इसे प्लस में रखना है। ये वाले नंबर का जो पार्टीशन है उससे यहाँ पर प्लस में रखना है। तो हमने यहाँ पर इसके हमारा पॉइंट मिल गया C110 से, यहाँ से ये लाइन को 420 mm इधर रखना है, और 4060BD से इस लाइन को 442 mm प्लस में रखना है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट मिल गया, यहाँ से लाइन को स्टार्ट करना है, यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से जब ये लाइन डाउन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये ईस्टिंग इसका दे रहा है कि C110 से -229 mm स्लिप रहेगा, यानी कि वेस्ट की तरफ ये लाइन वेस्ट की तरफ 229 mm यहाँ से चला जाएगा। यहाँ से लाइन वेस्ट की तरफ 229 mm रहेगा। C110 से ईस्ट से माइनस में चला जा रहा है 229 mm, यहाँ से ये 229 mm सिर्फ माइनस में रहेगा। पहले वाला जो डायमेंशन था 420 mm था, ये वाला डायमेंशन का अब ये जो लाइन जो डाउन हो रहा है तो 229 mm सिर्फ यहाँ से माइनस में जा रहा है ये, और ये वाला जो लाइन था 420 mm माइनस में था। तो इस तरीके से ये लाइन का एक हमारा डायमेंशन मिल गया कि यहाँ पर हमें लाइन को ला करके 229 पर रखना है। ये डायमेंशन ये जो है C110 से 229 mm माइनस में यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दे रहा है C110 -229 mm। और उसके बाद हम नर्थिंग का देखेंगे, तो नर्थिंग में दे रहा है 4060BD +525 mm रखना है। यहाँ पर जो था नर्थिंग +442 mm था, और यहाँ पे जो प्लस है 525 mm है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर दे दिया है डिजाइन कि अब ये जो है 4060BD से प्लस जो है 525 mm हो जा रहा है, यहाँ से ये लाइन प्लस हो जा रहा है, और यहाँ पे लाइन जो है इसी 4060BD से 442 mm प्लस में था, लेकिन अब जो लाइन यहाँ पर जो डाउन हो रहा है वो 525 mm नॉर्थ की तरफ प्लस है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट मिल गया कि यहाँ से लाइन को यहाँ पे ला करके रखना है, और उसके बाद हम इसका देखेंगे कि कितने ऊंचाई पर ये लाइन आ रहा है। तो ऊंचाई के लिए हम एलिवेशन देखेंगे, PT06 जो रैक रहेगा, प्लेट रहेगा, जो भी रहेगा, जो पार्टीशन रहेगा उससे 956 mm प्लस में रहेगा। और यहाँ पर दिया गया है PT07 जो पार्टीशन रहेगा या फिर जो भी बीम रहेगा उससे -1304 mm रहेगा। हम इसी का देख लेते हैं पहले, PT07 -1304 जो दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एलिवेशन देखने के लिए हमने एक डिजाइन बना दिया है कॉलम, जैसे कि एरिया जो है अगर हम साइड से देखेंगे तो एरिया वही है C105, C107, C110। अब इसको हम साइड से देख रहे हैं तो हमारा एलिवेशन दिख रहा है, ऊंचाई दिख रहा है,
किस ऊंचाई पर हमें इस लाइन को ले जाकर के लगाना है। तो पीटी 06 में दिया गया था कि एलिवेशन जो है प्लस में रखना है 956 mm, पीटी 06 956 प्लस में दे रहा था ये वाले लाइन का, और पीटी 07 से माइनस में दे रहा था 1304 mm। यहाँ से ये लाइन आगे कैसे गया हुआ हम पहले वाले डिजाइन में देख चुके हैं। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि कितने ऊंचाई पर ये लाइन रहेगा। तो हमारा ये दे रहा था कि पीटी 07 से 1304 mm माइनस में रखना है और पीटी 06 से इस लाइन को 956 mm प्लस में रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको दिखाया पीटी 07 माइनस 1304 और पीटी 06 प्लस 956, पीटी 06 प्लस 956, पीटी 07 माइनस 1304। इस तरीके से ये एक पार्टीशन का नंबर दिया गया है, किस नंबर पे इसको आपको रखना है ये आपको ध्यान देना है। वैसे इधर वाला जो लाइन है उसका भी आप देखिए, एक और जो ड्राइंग था यहाँ पर देखिए, एलिवेशन जो दिया गया है प्लस लिखा गया है, एलिवेशन प्लस लिखा गया, लेकिन प्लस हमको नहीं देखना है, हमारा ये नंबर देखना है पीटी 07 माइनस 1489 लिखा गया है। तो इधर आइए, यहाँ पर देखिए ये जो है गया पीटी 07, ये एरिया हो गया, ये पार्टीशन हो गया, जो भी चीज़ का ये नंबर है वो हमें पता नहीं है, लेकिन वहाँ से इसको 1489 माइनस में रखना है। और उसके बाद यहाँ पर दे रहा है पीटी 06 में देखना है क्या दे रहा है, यहाँ पर देखिए प्लस दे रहा है 1005 प्लस में रखना है, पीटी 06 प्लस में रखना है 1005। तो यहाँ पर देखिए ये पीटी 06 में यहाँ पर प्लस हो गया, 1005 प्लस में रहेगा। तो यहाँ से इस लाइन को स्टार्ट करना है, तो ये बिल्कुल लाइन जो है हवा में हो गया ना, यहाँ पर गया और ना ही ये वाले एरिया पर आया, तो यहीं पर आपका लाइन जो रहेगा इतना ही दूरी पर। आपको देख लेना है कि अब ये लाइन जो है C110 पर कहाँ पर लग रहा है, तो उसका डिजाइन हमने यहाँ पर दे दिया कि आपको इस तरीके से एरिया देखना है कि कौन से एरिया का यह नाम है, उतना दूरी आपको चेक करना है कि कहाँ से लाइन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर लाइन ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर हम डायमेंशन चेक करेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी हम देखेंगे कहाँ से लाइन, जैसे कि 4060 BD से कितना अप में दे रहा है, कितना बाहर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डायमेंशन दिया गया था ये वाला रोलिंग लाइन का 9500 BD से माइनस में दे रहा था 1101, और इसी नंबर से दे रहा था कि यहाँ पर प्लस में रखना है नॉर्थ में 312। तो इसी तरीके से आपको देखना है यह जो ड्राइंग है थोड़ा सा अलग दिया गया है, क्योंकि ये जो है शिप यार्ड का ड्राइंग है। अब शिप के अंदर का ये ड्राइंग है या फिर शिप के बाहर का है या फिर शिप यार्ड का है ये भी पता नहीं है, सिर्फ ये बताया गया था यह ड्राइंग के बारे में कि यह शिप यार्ड का ड्राइंग है। तो फ्रेंड यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।